फागबड़ा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत रतनपुर कला में भी जश्न ईद मिलादुन नबी और जुलूस मोहम्मदी शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया। जुलूस मोहम्मदी जामा मस्जिद रतनपुर कला से शुरू होकर रतनपुर कला के अनेक मोहल्लों में होता हुआ डेंगरपुर रोड होते हुए वापस जामा मस्जिद पर जाकर संपन्न हुआ। रतनपुर चौकी इंचार्ज और CEO हाईवे लगातार जुलूस को शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यवस्थाएं बना रहे थे। वहीं ग्राम प्रधान नजाकत हुसैन जुलूस की अगुवाई कर रहे थे। ग्राम पंचायत रतनपुर कला में जुलूस मोहम्मदी में मौजूद युवा सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा के नारे बुलंद कर रहे थे और कलमाए तैयब का विर्द कर रहे थे और एक दूसरे को जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दे रहे थे। जामा मस्जिद रतनपुर कला के पेशे माँ हजरत सैयद अफरोज मियां अजहरी द्वारा जुलूस मोहम्मदी पर सिटी चैनल से बात करते हुए अपनी बात को रखा गया। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मैं सैयद अफरोज आलम मंजरी खतीब व इमाम जामा मस्जिद बुधवार रतनपुर कला। सबसे पहले आज का दिन बड़ा मुकद्दस और मुअज्जम दिन है, यानी यौम विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जश्न ईद मिलादुन नबी जो ईदों की ईद है। आज हम रतनपुर कला से हमने जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालना शुरू किया और बड़े अमन अमान और सुकून और शांति के साथ ये हमारा जुलूस निकल रहा है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुकून और शांति के साथ अमन अमान के साथ पाए तकमील को पहुँचेगा माशाल्लाह। मैं तमाम ही अहले रतनपुर को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने उन्हें जो बताया गया उस पर अमल किया और अमल करने के बाद में सही तरीके से अमल करके दिखाया माशाल्लाह। ये हमारा अभी तक का प्रोग्राम ये जुलूस बड़ा सुकून पसीर रहा और बड़ा ही अच्छा रहा माशाल्लाह। लोग लंगर भी कर रहे हैं, खाने भी तकसीम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, फिर भी कहता हूँ, ऐसे मुबारक दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करें, गरीबों को अपने साथ लें, जिनको खाने की ज़रूरत है खाना पहुँचाएँ और जिनको कपड़ों की ज़रूरत है कपड़े पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक दिन के सदके मौला हमारे जुलूस में जितने भी लोग शरीक हैं परवरदिगारे आलम मौला सबों के घर में अमन अमान सुकून अता फरमाए और हमारे वतन अजीज मुल्क हिंदुस्तान में अमन अमान अता फरमाए। जो परेशानियां हमारे मुल्क में चल रही है वो रोजगार से ताल्लुक हों या दीगर मामलात में मौला तमाम मामलात को बेहतर फरमाए और इस मुबारक मसूद दिन की बरकतों से मालामाल फरमाए। आमीन बिजाह नबी मुसल। वहीं जुलूस की व्यवस्थाओं को देख रहे CEO हाईवे द्वारा बताया गया, आज दिनांक 19/10/21 को रतनपुर कला थाना पाकवाड़ा क्षेत्र में 12 वफात के पवित्र त्यौहार पे मुस्लिम भाइयों द्वारा जुलूस निकाला जा रहा है। उनसे शांति से जुलूस निकालने के लिए अपील किया गया है। DJ ना बजाना जिससे और लोगों को परेशानी ना हो और शांतिपूर्वक जुलूस निकाल के और अपना त्यौहार मनाने के लिए अपील की गई है जो सुचारू रूप से जारी है। पुलिस व्यवस्था लगी हुई है, सारे लोग अपनी ड्यूटी पे हैं और अच्छे से ऊपर वाला चाहे तो अच्छे से संपन्न होगा। वहीं ग्राम प्रधान नजाकत हुसैन द्वारा अपनी बात को रखा गया। जुलूस मोहम्मदी जिस तरह ये हर साल रबी उल अव्वल 12 तारीख को मनाया जाता है उसी तरह से पिछले 2 साल कोरोना की वजह से नहीं मनाया गया था तो इस बार लोगों में काफ़ी उत्साह था। उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी पूरा सहयोग किया और सब लोगों ने बड़े मिलकर और सब लोग एक साथ चलकर इस त्यौहार को अच्छी तरीके से मना रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से सब लोगों ने साथ दिया है, पूरे आवाम ने, और किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया है, साथ में CEO साहब ने भी बहुत बार बार यहाँ की खबर ली है और चौकी इंचार्ज साहब हैं उन्होंने भी पूरा सहयोग किया है।
कुल मिलाकर जुलूस ए मोहम्मदी शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया और पगबड़ा पुलिस प्रशासन द्वारा भी राहत की सांस ली गई।